बेटा है इनका इलाज करना है, कैंसर है तो यार करवा दीजिएगा कृपा करके। मयंक 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 नाम है, मयंक मयंक भट्ट, 27 साल की उम्र। हाँ मयंक भट्ट, मंगलवार को मैं भेज दूँ। जगह तो निकल जाती, पीछे हो जाता आगे कैसे रुकेगा। सिंधिया शिवपुरी के दौरे पर थे तभी ये महिला ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास रोते बिलखते पहुंची। जब सिंधिया ने उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने अपने 27 साल के जवान बेटे की बीमारी के बारे में उन्हें बताया कि उनके बेटे को कैंसर है जिसके इलाज के लिए वो परेशान है। बुजुर्ग माँ की ये बात सुन सिंधिया का दिल पसीज गया। फिर क्या, सिंधिया ने तुरंत दिल्ली एम्स फोन मिला दिया और जल्दी से जल्दी इलाज के निर्देश दे दिए। बेटा है इनका इलाज करना है, कैंसर है तो यार करवा दीजिएगा कृपा करके। मयंक 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 नाम है, मयंक भट्ट, 27 साल की उम्र। हाँ मयंक भट्ट, मंगलवार को मैं भेज दूँ। जगह तो निकल जाती, पीछे हो जाता आगे कैसे रुकेगा। महाराज सिंधिया जिंदाबाद, सिंधिया जिंदाबाद, सिंधिया जिंदाबाद, सिंधिया जिंदाबाद, सिंधिया सिंधिया। बता दें कि सिंधिया अपनी संवेदनशीलता और दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार वो ऐसे ही लोगों की मदद करते देखे जाते रहे हैं। सिंधिया ने जैसे ही फोन मिलाया और इलाज के निर्देश दिए उसके बाद बुजुर्ग महिला सिंधिया के गले लग गई और उन्हें धन्यवाद देने लगी। फिलहाल सिंधिया की दरिया दिली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।